और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ना भरे गए सड़क के गड्ढे और ना बंद हुए अवैध कट। लखनऊ कानपुर हाईवे पर कई जगह टूटी सड़क, अवैध कट और वाहनों की गलत पार्किंग लोगों की जान ले रही है। वर्ष 2023 में जिले में 25 अक्टूबर तक 509 हादसे हुए हैं, जिनमें 301 लोगों की मौत और 425 लोग घायल हुए। आंकड़ों के अनुसार इनमें से 55 लोगों की जान इसी हाईवे पर गई। लखनऊ कानपुर हाईवे पर जगह जगह उखड़ी सड़क और गड्ढे हादसों की वजह बने हैं। जाजमऊ गंगा पुल से बनी के सही नदी पुल तक 36 जगह लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अवैध कट बनाए हैं, जो जिंदगी के शॉर्टकट साबित हो रहे हैं। अवैध कट से निकल रहे लोग वाहनों की टक्कर से घायल होते हैं, तो कभी उन्हें बचाने की कोशिश में गुजर रहे वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं। लखनऊ कानपुर हाईवे की जिले में लंबाई 63 किलोमीटर है। अजगैन, सोहरामऊ, बसीरतगंज, सोने, गदनखेड़ा, हुसैन नगर, आज़ाद मार्ग, दही चौकी सहित अन्य तमाम स्थानों पर टूटी सड़क और उखड़ी गिट्टी से दुर्घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ सीमा से 500 मीटर दूर कस्बा मोहान की तरफ सोहरामऊ कस्बा स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने बसीरतगंज मुर्तजा नगर के पास दही चौकी धर्मकांटा के पास एआरटीओ कार्यालय के पास दही चौकी पुराना एआरटीओ कार्यालय रोडवेज वर्कशॉप के पास शेखपुरी नरी गांव के सामने गहरा गांव बंथर स्थित ढाबा के सामने और नवाबगंज कस्बा सहित अन्य जगहों पर अवैध कट बनाए गए हैं। हाईवे पर गलत तरीके से वाहन पार्किंग पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। यातायात प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि हाईवे के सभी थानों की मदद से अवैध पार्किंग रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया कि सबसे ज्यादा समस्या रात को होती है। अभियान चलाकर वाहनों का चालान किया जाएगा। ढाबा व अन्य प्रतिष्ठानों को भी नोटिस दिया जाएगा। सुधार न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनएचएआई के पीडी सौरभ चौरसिया ने बताया कि हाईवे के गड्ढों की मरम्मत शुरू करा दी गई है, जल्द ही पूरा हाईवे गड्ढा मुक्त हो जाएगा। वहीं बनाए गए शॉर्ट सर्किट भी जल्द बंद कराए जाएंगे। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।